नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बेबस एमडीए बेलगाम बिल्डर बन गया, करप्शन का और कॉम्प्लेक्स। इस दौरान आपको बता दें कि ये पूरा मामला है जहां पर बेबस एमडीए बेलगाम बिल्डर बन गया है, यहां पर करप्शन का कॉम्प्लेक्स, जहां पर अगर सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत तो खूब आपने सुनी होगी, लेकिन जमीन पर उसकी असल तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सत्ता और रसू के आगे नियम और कानून कैसे बोने साबित हो जाते हैं, आज हम आपको उसकी वानगी भी दिखाने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये बुलडोजर रसू के आगे कैसे बेबस हो जाता है, उसकी तस्वीर हम आपको मेरठ के यहां पर रुड़की हाईवे में बने पल्लपुर में दिखाई देती है, जहां पर बिना नक्शा बिना लेआउट के एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का यहां पर निर्माण कर दिया और एमडीए के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते रहे। 4 सालों में 2 FIR, 6 नोटिस के बाद भी ध्वस्तीकरण के आदेश और उसके बाद भी 4 मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। आखिर क्यों बेलगाम बिल्डर के आगे बेबस हो गया मेरठ का प्रशासन और कैसे नियम कानूनों को ताक में रखकर बनाया गया यह अवैध कॉम्प्लेक्स, दे रहा है मौत को दावत, इसको लेकर आपको बता दें कि पूरी खबर दिखाते हैं। साथ ही न्यूज वन इंडिया का एक्सक्लूसिव खुलासा भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे। देखिए, पहले आपको ये भी बता दें कि 12 नोटिस 2 FIR के बाद में ध्वस्तीकरण के नोटिस यहां पर दिए गए, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। और ऐसे में प्रशासन की बात करें तो यहां पर कागजी घोड़े यहां पर दौड़ाते नजर आया है प्रशासन, लेकिन ऐसे में बन गया है करप्शन का यहां पर कॉम्प्लेक्स। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद हकीकत इस दौरान हरकत में आए हैं अधिकारी और आनन फानन में यहां पर कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीलिंग की कार्रवाई यहां पर की गई है, यानी कि जब न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जाकर जब यहां पर जांच पड़ताल न्यूज वन इंडिया की तरफ से ये खबर आई, उसके बाद जाकर आखिरकार अब आ गई ये कार्रवाई की जा रही। बेसमेंट की बात करें तो दुकानें दे रही है मौत को यहां पर दावत, पहले नहीं थी सील, अब इसको सील भी कर दिया गया है। 2 मंजिला की अनुमति और ऐसे में 4 मंजिला यहां पर बना दिया गया है। 12 नोटिस 2 FIR और ध्वस्तीकरण का नोटिस, बावजूद उसके यहां का कामकाज नहीं रुका है और 4 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। ऐसे में बेबस नजर आया है एमडीए और बेलगाम बिल्डर यहां पर नजर आ रहे। देखिए, बिल्डर को किसी भी तरीके का खौफ नहीं है। बेबस प्राधिकरण ने कब कब दौड़ाए कागजी दौड़े, देखिए 4 जून 2022 में 17 जून 2022 को प्राधिकरण ने निर्माण पर सील का आदेश और उसके बावजूद आखिरकार यहां पर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होती नजर आई है। तो बेबस प्राधिकरण, आपको बता दें कि 4 जून 2022 को प्राधिकरण ने सबसे पहली बार यहां पर आदेश दिया, 17 जून 2022 को प्राधिकरण ने निर्माण पर सील और 14 जुलाई की बात करें 2022 को तो अवैध निर्माण में यहां पर सील लगाई। प्राधिकरण ने 14 जुलाई 2022 को ही FIR दर्ज करने के आदेश, 8 अगस्त 2022 प्राधिकरण ने सील के बावजूद इसके निर्माण की शिकायत पुलिस से की, पुलिस अभिरक्षा में अवैध कॉम्प्लेक्स फिर भी होता रहा उसका निर्माण। 6 जुलाई 2023 को प्राधिकरण ने अवैध निर्माण तोड़ने का बिल्डर को यहां पर नोटिस, प्राधिकरण ने जारी किया ध्वस्तीकरण का आदेश, उसके बावजूद बेबस प्राधिकरण ने 10 अप्रैल 2024 ने फिर दिया यहां पर सीलिंग का आदेश और साथ ही आपको बता दें कि 21 मई 2024 को निर्माण को फिर यहां पर सील किया गया। तो 4 जून 2022 को प्राधिकरण ने सबसे पहली बार यहां पर आदित्य चौधरी जो है उनको आदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर FIR भी दर्ज हुई है, ध्वस्तीकरण के नोटिस भी दिए गए हैं, बावजूद उसके कॉम्प्लेक्स निर्माण का कार्य नहीं रुका है और 2 मंजिले के बाद यहां पर बता दें कि 4 मंजिला ये कॉम्प्लेक्स बना है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है प्रशासन को लेकर कि आखिरकार प्रशासन पर ऐसी कौन सी बेबसी रही है कि आखिरकार यहां पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यूज वन इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल और जब ये पड़ताल हुई है उसके बाद आखिरकार इसका खुलासा हुआ है। बिना आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स में बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर हुआ है, अगर इस दौरान कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन, आखिर नियम कानून से ऊपर है क्या यहां पर बिल्डर, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। न्यूज वन इंडिया भी पूछता है बिना एमडीए की मिलीभगत से कैसे हुआ है अवैध निर्माण, बेसमेंट में बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर हुआ कोई हादसा तो कौन जिम्मेदार होगा,
होगा? आखिर नियम कानूनों से ऊपर है क्या बेलगाम बिल्डर? यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, छोटे से अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने वाला एमबीए क्यों चुप है? आखिर कब चलेगा इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर? ये बड़े सवाल है, कब होगी बेलगाम बिल्डर पर कार्रवाई? तो बिना एमबीए की मिली भगत के कैसे हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण, ये भी अपने आप में सवाल है। न्यूज वन इंडिया पूछता है कि आखिरकार बेसमेंट पे बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में ये कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जो कि न्यूज वन इंडिया पूछता है। आखिर नियम कानूनों से ऊपर है क्या बेलगाम बिल्डर, जिस पर की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं? छोटे से अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने वाला एमबीए क्यों चुप है? आखिर कब चलेगा इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, कब होगी बेलगाम बिल्डर पर यह कार्रवाई? तो बड़ी खबर साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने पड़ताल की उसके बाद यहां पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया भी पूछता है कि आखिरकार जिस प्रशासन को लेकर पूरे तरीके से एक्शन लिया जा सकता था, आखिरकार उस प्रशासन ने एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है? क्यों यहां पर दो मंजिला के बदले चार मंजिला यहां पर यह कॉम्प्लेक्स बना है? आखिरकार क्या नींद में सोया हुआ है प्रशासन यहां पर, या फिर प्रशासन की मिली भगत इसमें नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से यह अवैध निर्माण हुआ है और लगातार नोटिस पर नोटिस गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, बावजूद उसके इसका निर्माण नहीं रुकता है और यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है, तो क्या यहां पर जो बिल्डर हैं वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं और दिल्ली की घटना से भी एमडीए ने कोई सबक नहीं लिया है, और साथ ही बिना एमडीए की मिली भगत के कैसे हुआ है अवैध कॉम्प्लेक्स का यह निर्माण? बेसमेंट में बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कोई हादसा हो जाता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर नियम कानूनों से ऊपर है क्या यहां पर जो बिल्डर हैं? और छोटे से अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने वाला आखिरकार क्यों यहां पर बेबस नजर आ रहा है? आखिर कब चलेगा इस अवैध बिल्डिंग पर यहां पर बुलडोजर? और साथ ही इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने पूरे तरीके से इस खबर को लेकर जायजा लिया है और जांच पड़ताल की है, जरा देखिए। कच्ची कॉलोनी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये वो भवन है जिस पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का निगाह नहीं पहुंच पाती है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस जो कॉम्प्लेक्स है उसके मालिक पर मेहरबान नजर आते हैं। जो आप नीचे दुकानें देख रहे हैं ये वो दुकान है जो पार्किंग में बनाई गई है। अगर मानचित्र की अकॉर्डिंग बात की जाए, मानचित्र के अनुसार अगर बात की जाए तो ये दुकान नहीं, यहाँ पर पार्किंग है, लेकिन पार्किंग के अंदर देख सकते हैं किस तरह से दुकान तैयार की गई है। ये दुकान बनाकर के तैयार की गई है और इन दुकानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पार्किंग का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये दो मंजिल जो इमारत है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो दुकानें हैं, इसमें दो मंजिल दुकानों के लिए बनाई गई है, लेकिन मानचित्र के अनुसार अगर बात की जाए तो उससे डेढ़ गुना बनाकर के इसको तैयार किया गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद, यानी ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बावजूद इस इमारत पर, इस कॉम्प्लेक्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं का संरक्षण इस दबंग मालिक को मिला है। विक्रांत चौधरी इसका मालिक है जिसके द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह से विकास प्राधिकरण की तरफ से कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, कागजों में एफआईआर दर्ज की जाती है, कागजों में अगर बात की जाए तो ध्वस्तीकरण का आदेश किया जाता है, लेकिन हकीकत की अगर बात की जाए, हकीकत में लगातार कॉम्प्लेक्स आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, विकास लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। पहले इस कॉम्प्लेक्स को सील किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ के बाद लगातार कॉम्प्लेक्स पर काम चलता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की अगर बात की जाए, कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश हो चुके हैं, क्यों, लेकिन वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश केवल फाइलों में दौड़ रहे हैं। हकीकत की बात की जाए तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश केवल कागजों के बाहर निकलकर अभी तक धरातल पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण के अगर दफ्तर से और इस जगह की बात की जाए, यानी पल्लापुरम फेज टू की फेज वन की बात की जाए, तो महज 10 किलोमीटर है, लेकिन अधिकारी एसी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एसी से बाहर इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जिस दबंग मालिक का, विक्रांत चौधरी का ये कॉम्प्लेक्स है, उससे कहीं ना कहीं साठगांठ की जाती है, और साठगांठ के बाद इस तरह से एक इमारत, एक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन बड़े से बड़े हादसे देखने को मिलते हैं, बगैर मानचित्र के,
और पार्किंग के अंदर जो दुकान बनाई गई हैं, यहाँ की अगर बात की जाए, फायर की अगर व्यवस्था की बात की जाए, एनओसी की बात की जाए, तो बिगर फायर एनओसी के यहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से यहाँ मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। दो मुकदमा होने के बाद भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्स पर काम चलता है, क्योंकि सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में ये कॉम्प्लेक्स फल फूल रहा है। देखा जा सकता है ग्रीन बेल्ट के अंदर, पूरी ग्रीन बेल्ट है, जिस ग्रीन बेल्ट पर टाइल्स लगा करके जीने उतारे गए हैं, यानी ऊपर तले पर जाने के लिए यहाँ पर ये जीने बनाए गए हैं। जो लिफ्ट है वो ग्रीन बेल्ट में लगाई गई है। लेकिन अगर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग में एक नहीं बल्कम कई सौ दुकान बना करके तैयार की गई हैं। कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ ये आलीशान कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ की बात की जाए तो दुकानों के रेट काफ़ी हाई हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग के अंदर अगर बात की जाए तो पार्किंग में यहाँ ये दुकान बना करके तैयार की गई है। ग्रीन बेल्ट पर इनका जीने हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दो मंजिल इमारत बनने की अनुमति ली जाती है, मानचित्र स्वीकृत किया जाता है, लेकिन उससे डेढ़ गुना बना करके तैयार किया जाता है। देखना यह होगा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से इस भवन पर कब कार्रवाई की जाती है। क्या कागजी घोड़े केवल फाइलों में ही दौड़ते हुए नजर आते हैं? जिस तरह से कागजी घोड़े फाइलों में दौड़ रहे हैं, देखा जा सकता है कि फाइलों में मानचित्र के साथ साथ दो मुकदमे होते हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश होता है, लेकिन देखा जा सकता है जो भवन है वो कब और कैसे ध्वस्त किया जाता है। क्या वो आदेश केवल घोड़े बनकर कागजों की फाइल इसी तरह से इधर से उधर पहुंचती रहेगी, क्या कार्रवाई भी होगी? क्योंकि कहा जा सकता है कि सबसे बेशकीमती जमीन की अगर बात की जाए हाईवे से सबसे नज़दीक है, और नज़दीकी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्किंग के नाम पर दुकानें बनाई जा रही हैं। पार्किंग के अंदर दुकान बना करके तैयार की गई हैं। महंगे दामों में ये दुकानें आम जनता के लिए दी जा रही हैं, उन दुकानदारों के लिए दी जा रही हैं जो यहाँ पर अपना व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अगर मेहरबानी की बात की जाए तो अभी तक विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार कॉम्प्लेक्स मालिक पर मेहरबान है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, ये जिस तरीके से मामला सामने आया, यानी कि नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई नहीं है, और यहाँ पर बिल्डिंग पर बिल्डिंग तैयार की जा रही है, यानी कि एक मंजिल नहीं, दो मंजिल नहीं, सीधे चार मंजिल यहाँ पर तैयार की जा रहे हैं, और प्रशासन नींद में सोया हुआ है। और देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशासन की नींद की अगर बात की जाए तो मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी एसी के कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। एसी के कमरों से बाहर निकल करके नहीं देख पाते हैं कि कहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कहां पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर मेरठ की बात की जाए तो वीसी अभिषेक पांडे के आने के बाद, यानी मेरठ में पोस्ट होने के बाद, लखनऊ तक सराहना की जाती कि विकास प्राधिकरण के वीसी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रहे हैं, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, ये वो भवन है, ये कॉम्प्लेक्स है जिस पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की निगाह कल तक नहीं पहुंचती है, लेकिन जिस वक्त न्यूज वन इंडिया की टीम मौके पर पहुंच करके खबर करती है, ये वो बेसमेंट है। देखिए, बेसमेंट के अंदर पार्किंग की स्वीकृति कराई जाती है। मानचित्र की अगर बात की जाए तो इस बेसमेंट में पार्किंग बनाने के लिए अनुमति ली जाती है। लेकिन आज देर रात अगर बात की जाए तो प्रशासन के अधिकारियों की साठगांठ की बात की जाए, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ की बात की जाए तो भवन को सील दोबारा कर दिया गया है। कल न्यूज वन इंडिया ने जिस वक्त यहां पहुंच करके खबर की थी, ये इनपुट इकट्ठा किया था, और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज यहां पर सील लटकी हुई नजर आ रही है। विकास प्राधिकरण के मेहरबान अधिकारी कहा जा सकता है कि एक नई सवालों के घेरे में हैं। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं। कल तक जहां पर सील नजर नहीं आ रही थी, आज वहां पर सील लग चुकी है। रातों रात किस तरह से यहां पर बड़ा खेल करते हैं विकास प्राधिकरण के अधिकारी। भवन की अगर बात की जाए, देखिए, ये वो भवन है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसको तैयार किया जा रहा है। इसकी अगर अनुमति की बात की जाए तो दो मंजिल अनुमति ली जाती है, लेकिन लगभग चार मंजिल बनकर के तैयार हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड जमा करने की बात की जाती है। जो इसके मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका कंपाउंड जमा किया जा रहा है। बिल्डिंग बनाने के बाद कंपाउंड जमा करने की जो रसीद है, जो यहाँ पर फीस है, वो जमा कर दी गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी उस वक्त कहाँ पर सोते हुए नजर आते हैं जिस वक्त कंपाउंड बनता है, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाता है तो उस वक्त विकास प्राधिकरण के अधिकारी नींद से क्यों नहीं जागते हैं? एक नहीं बल्कि कई बार
नोटिस दिया जाता है विकास प्राधिकरण की तरफ से, विकास प्राधिकरण के वीसी की तरफ से कई बार यहां पर नोटिस दिया जाता है। बार बार नोटिस देने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कार्य इसी तरह से प्रगति पर नजर आता है जिस तरह से आज प्रगति पर नजर आ रहा है। एक तरफ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ रातों रात वो कार्रवाई धरातल पर देखने को मिलती है। कहा जा सकता है कि मैं चारों तरफ आपको वो दुकानें दिखाऊंगा अपने न्यूज वन इंडिया के दर्शकों के लिए। सबसे पहले वो दुकानें दिखाएंगे जिस तरह से जो बेसमेंट है उसमें पार्किंग की जगह पर यहां पर जो दुकानें बनाई गई हैं, एक नहीं बल्कि कई ऐसी दर्जनों दुकान है जो यहां पर पार्किंग में बनाई गई है। पार्किंग को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस तरह से दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ और हादसे के बाद अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है बेसमेंट में किसी भी तरह से ना तो कोई शिक्षा संस्थान चलेगा ना कोई बिजनेस व्यापार चलेगा। लेकिन मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अगर संरक्षण की बात की जाए तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स तैयार होता है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं ना कहीं पार्किंग में जो दुकानें हैं उनको बना करके खड़ा कर दिया जाता, तैयार कर दिया जाता और उनको सेल आउट के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन वो दुकान बिकने के लिए तैयार हो जाती है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कानों पर तब बिल्कुल अतुल जिस तरीके से देख रहे हैं कि अब ये बिल्डिंग बन रही है उस समय पर कार्रवाई नहीं है, जब संज्ञान में मामला आ जाता है उसके बाद कार्रवाई होती है, फिर इस पर बुलडोजर चलता है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर जब इसकी जमीनी हकीकत ही पता चल जाती है तो उस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके बाद जब बुलडोजर से कार्रवाई तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि देखिए बिल्डिंग पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसे में कानून इसके तहत आज्ञा नहीं देता है, बावजूद उसके इस तरीके की कार्रवाई तो क्यों नहीं, ऐसे जो अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। देखिए बिल्कुल बड़े सवाल है कि ऐसे अधिकारियों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए जिनके साठगांठ के बाद इस तरह से भवन और बिल्डिंग बनाई जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, बड़े से बड़े भवन बनाए जाते हैं, आलीशान कोठियां बनाई जाती हैं, क्योंकि अधिकारियों की साठगांठ के बाद ही इसी तरह से कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अवैध निर्माण को लेकर के कॉम्प्लेक्स मालिक के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नोटिस विकास प्राधिकरण की तरफ से पेश किए गए हैं जिनको लेकर के अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स मालिक की तरफ से उसका जवाब दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स मालिक ने उसका जो कंपाउंड है वो भी जमा करने का काम किया है। लेकिन इन सब चीज से हट करके बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय मानचित्र बनवाया जाता है उससे अधिक क्यों बनाया जाता है, मानचित्र अगर दो मंजिल का बना है तो चार मंजिल बना करके भवन क्यों तैयार किया जाता है। अगर बेसमेंट में शासन का साफ निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर दुकान क्यों बनाई जाती है। ग्रीन बेल्ट की अगर बात की जाए तो ग्रीन बेल्ट में सीढ़ियां क्यों बनाई जाती है, क्योंकि प्रथम तले पर चढ़ने के लिए यानी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट में उनका उतार होता है। और एक नहीं बल्कि कई ऐसी बड़ी खामियां इस जो भवन है जो कॉम्प्लेक्स है उसमें देखने को मिलती है। बिगर फायर एनओसी के यहां पर धड़ल्ले से काम चलता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई आगजनी होती है, किसी भी तरह से कोई नुकसान होता है तो वहां पर लोगों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो उतरने के लिए महज तीन जो सीढ़ियां हैं वो बनाई गई हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए ऊपर से नीचे तक अगर कॉम्प्लेक्स को देखा जाए, कॉम्प्लेक्स 1708 वर्ग मीटर में बना हुआ है, यानी काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स से अगर निकलने की बात की जाए तो महज तीन रास्ते बनाए गए हैं, और तीनों रास्तों की अगर बात की जाए तो उनकी केवल अगर देखा जाए तो दूरी भी काफी लंबी है, और दूरी के साथ साथ अगर बात की जाए क्या ऐसे में आपने उन प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कुछ उनका कहना रहा अतुल, क्योंकि जिस तरीके से जो बिल्डर है वो तो पूरे तरीके से बेलगाम नजर आ रहे हैं बिना संरक्षण के। क्या इस तरीके से मार्केट के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है, दो मंजिल एक्स्ट्रा बना दिया जाता है, बेसमेंट में दुकानें निकाल दी जाती हैं, क्या बिना साठगांठ के हुआ था ये होता है क्या? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, ये तस्वीर वो दर्शाती है कि इस भवन की कितनी कीमत है और कितनी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर देखिए सबसे पहले ये रैपिड स्टेशन बनने जा रहा है पास में ही, और उसके बराबर में अगर देखा जाए तो दिल्ली रुड़की हाईवे है, यानी मेरठ से रुड़की जाने वाले लोग महज इस कॉम्प्लेक्स से 10 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के यहां से देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी कीमत की बात यह है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बात की जाए तो विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कागजी घोड़े केवल फाइलों में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, धरातल पर वो कागजी घोड़े देखने को नहीं मिलते, लगातार नोटिस जारी किए जाते हैं। विकास प्राधिकरण की तरफ से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार नोटिस पर नोटिस जारी करते हैं। ऐसे में 2022 से लेकर 2024 तक लगातार नोटिस आ चुके हैं, 6 बार और 2 बार FIR दर्ज हो चुकी है, बावजूद उसके किसी भी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं न्यूज वन इंडिया ने मेरठ विकास प्राधिकरण के VC अभिषेक पांडे से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। से अवैध कॉलोनी और भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के एक पल्लवपुरम क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें पार्किंग में दुकानें बनाई गई हैं, विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले भी उनको सील किया गया है, मुकदमा दर्ज कराया गया है, ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं। उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है VC साहब, अभी तक की अगर बात की जाए आपकी तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सील भी किया गया है, पार्किंग में बेसमेंट में दुकानें बनाई गई हैं। देखिए दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से बहुत स्पष्ट निर्देश थे कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की अगर निर्माण की गतिविधियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में इस कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में जो बेसमेंट की जगह पे दुकानें बना ली उनको सील किया गया है। कतिपय सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर शायद सील को खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया गया है। हमारी टीम अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो पल्लवपुरम क्षेत्र में ही जा रही है, और अगर वहाँ पे सील को तोड़ने का कोई भी प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के पुनः सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी 2 बार FIR हो चुकी है, अगर बात की जाए कागजी घोड़े लगातार फाइलों में दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, तो ऐसे दबंग लोगों पर उस कार्रवाई का कोई असर देखने को नहीं मिलता? नहीं देखिए, ऐसा है कि हमने शहर में तमाम जगह पर ध्वस्तीकरण का भी कार्यक्रम किया है, और अगर बार बार इस प्रकार की चेष्टा की जाएगी कि सील को तोड़कर निर्माण को अनवरत जारी किया जाएगा तो उसके बाद फिर अंतिम विकल्प ध्वस्तीकरण का ही है जिसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर कॉम्प्लेक्स के अगर मानचित्र की बात की जाए तो 2 मंजिल का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, लेकिन अगर देखा जाए मौके पर जाकर के तो उसका 1.5 गुना बना करके तैयार किया गया, यानी उसके ऊपर भी एक छत है, उसके ऊपर भी कार्य लगातार जारी है, उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ? देखिए अभी मैंने प्रवर्तन दल के जो अपने अधिकारी उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियोजन से एक बार वो इस बात की पुष्टि करा लें कि मानचित्र में कितने तलों की स्वीकृति दी गई थी, और उसके अतिरिक्त अगर कोई भी निर्माण किया गया है तो उसके विरुद्ध भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। मेरठ विकास प्राधिकरण के VC थे हमारे साथ अभिषेक पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीलिंग की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जाएगी। अगर अवैध निर्माण किया जा रहा है बिगर मानचित्र के, बिगर तले के बनाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरठ के अगर पल्लवपुरम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार हो रहा है, पार्किंग के बेसमेंट में यानी दुकानें बनाई जा रही हैं, कहा जा सकता है जिस तरह से मेरठ में दबंगों के हौसले बुलंद है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं के संरक्षण में ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिस कॉम्प्लेक्स पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का संज्ञान में होने के बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, फाइलों में कागजी घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी कॉम्प्लेक्स मालिक पर यानी दबंग विक्रांत अहलावत पर मेहरबान नजर आते हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, News1 India।